छोटी सी ग्राम पंचायत पबाला वार्ड नंबर 12 में आती है और जिला परिषद का वार्ड नंबर 12 सबसे हॉट सीट मानी गई है पूरे के पूरे हरियाणा में। फिलहाल पबाड़ा गांव का दृश्य आप मेरे पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में, और हमने एक रैंडमली सर्वे किया और लोगों के बीच उनकी राय जानी। लोगों ने कैमरे के सामने अपनी समस्याओं को रखने के साथ साथ अपने उम्मीदवार का नाम भी साफ तौर पर रख दिया। लोगों की उम्मीदें इस बार विकास तंवर से जुड़ गई हैं। जी हाँ, पबाड़ा गांव की ये सच्चाई है कि जिला परिषद वार्ड नंबर 12 की ये सीट फिलहाल पबाड़ा गांव में लगभग 500 के आसपास वोट हैं, लेकिन लोगों ने साफ तौर पर कहा कि उनकी उम्मीदें विकास तंवर से जुड़ती हैं और उन्होंने अपना उम्मीदवार या जिला परिषद में जिताने की ठान ली है विकास तंवर को। फिलहाल इन तमाम बातों पर चर्चा करते हुए लोगों ने अपनी बात बेबाकी से कैमरे के सामने रखी और क्या कुछ कहना था सुनिए। अमरजीत सिंह, आप कौन सा गांव है? पबाड़ा जी, वार्ड 12 में पड़ता होगा। हाँ, वार्ड 12 में। पूरे क्या कुछ समस्याएं हैं, के मुद्दे आपके यहाँ? मुद्दे तो यही है, बस नाली सड़क का, सड़क मरी सारी टूट रही है, ये भी मुद्दा एक तो। अच्छा। सड़क सारी टूट रही है, नाले हैं, गली टूट रही है भाई। और अब की बार फिर जिला परिषद में किस तरह उम्मीद लगा रहे हो? अपना तो भाई मंदिर में बैठ का विकास का समर्थन दे रखा, सारे बगड़ना विकास तो हमारा, मैं सारे बगड़ना बैठ का वाल्मीकि मंदिर में समर्थन दे रखा, मैं तो उसके खिलाफ भाई। अच्छा, कारण के तो कुछ काम करवाए उसने? ना काम को नहीं करा, मंदिर में बैठ का बात होगी थी भाई साहब के ला, बस उसके बारे में बस। अच्छा, तो पूरा गांव झुका उनकी तरफ? हाँ, उनकी तरफ है भाई, मंदिर में बैठ का सारा बगड़ वाल्मीकि हरिजन सारे ना समर्थन दे रखा बैठ का मंदिर में। महेंद्र सिंह, क्या करते हैं महेंद्र सिंह जी? अपना ही काम कर रहे हैं, अपना ही काम। हाँ। चुनावी माहौल क्या है अपने यहाँ? चुनावी माहौल जिला प्रसिद्ध का विकास तंवर का माहौल है भाई, विकास तंवर का माहौल है। हाँ जी, मतलब ऐसा कारण क्या है, विकास तंवर में क्या देखा आपने? उसके बारे में अच्छा सुना है, जहाँ से सुना है अच्छे काम किया उसने। अच्छा। जिसके भी सामाजिक कामों में अच्छा हुआ है उसका, तो ये बहुत अच्छी बात है उसकी। अच्छी विरोधी ये भी प्रचार प्रणाली पर उसका स्वभाव तो थोड़ा हुआ है। ऐसे तो पता क्या, विरोधी इलेक्शन है, कोई भी सभी करते हैं विरोध। अच्छा, तो एक दूसरे का स्वभाव थोड़ा हाँ खोटा है, ऐसा भी कह रहे हैं लोग। हमें तो लगा नहीं भाई कोई भी ऐसा खोटा बढ़िया, पहले भी एक दो कई काफी बार मिले हैं और गाँव में सुना है, अच्छा सुना है उसके बारे में। तो वो विकास को ये सिर्फ मंदिर में समर्थन दिया इस वजह से या कुछ काम के नाम पे समर्थन है? काम अच्छे सुने उसके बारे में, टीक में अच्छे सुने हैं, कोड़क में अच्छे सुने हैं, थाना कई काफ़ी कामों में अच्छा सुना उसके बारे में। अच्छा। तो बोलचाल भी बढ़िया अच्छा है, बोलने चलने का तरीका भी अच्छा है। अच्छा, अच्छा ग्रेजुएट, बहुत बढ़िया सही आदमी है। ठीक है। लखविंदर सिंह। लखविंदर सिंह? हाँ जी। लखविंदर सिंह, गाँव में आपके की समस्या है? समस्या तो कोई नहीं सर, किसी बात की मतलब किस तरह किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है सर। आपकी तो सड़क भी टूटी थी मामा आए। कोई बात नहीं सर, सड़क तो टूटी हुई सारी है, आज की थोड़ी है यार, तो बहुत पुरानी है जी, बहुत पुरानी है। हाँ। इलेक्शन में किस तरह उम्मीद जोड़ रहे हो आपकी बार? उम्मीद भाई सब आए थे हमारे यहाँ कंवर जी। अच्छा, विकास कोड़क से? कोड़क से। हाँ जी, तो उसी का माहौल पूरे गाँव में? कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, उसको कोई वोट देनी है उन्हें तो। कारण क्या है उनको समर्थन देने? कारण भाई साहब एक अच्छे परिवार से, अच्छा हमारे साथ मेल जोल है, हमारे साथ अच्छी लगी बैठ उठा भाई साहब की, बहुत पुरानी। अच्छा, उसका स्वभाव तो उनका खोटा भी बताया है। कोई बात नहीं भाई, लोग तो सारी तरह की बात करे रहे हैं। सामने कैसा लग गया? अपना तो बढ़िया लग गया भाई, बढ़िया था, जो तुम्हारा समर्थन कर रहा है। अच्छा, पूरी बगड़ का है, पूरी गाम राम जिता के भेज जाएंगे सारे ना भाई ना, कोई दिक्कत थोड़ी इस बात की। अच्छा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। मेरा बाला ना। बाला, अब की बार चुनाव का केमा होला गाँव में? इसका विकास, विकास का। हाँ। विकास क्यों, विकास ही क्यों? बस मारे बंदर में आया था भाई, मर गया अपना, इसकी बोलबाणी। ठीक है। अच्छा। हाँ। कुछ काम कुम भी कराया उसने? ना ही बाल, कोई काम नहीं। अच्छा, आगे फिर के काम लेओगे उस पर? कोई आवेगा ले लेंगे। मतलब के समस्या है अपने यहाँ? बाल कोई समस्या नहीं मारे। अच्छा, फिलहाल है। हाँ।